ये गाइज, अगर आप दोहा कतर में हैं और आप यहाँ पर ड्राइवर हैं, चाहे आपके पास खुद का कार है, चाहे आप कंपनी का गाड़ी चलाते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज, जो दोहा कतर का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का डिपार्टमेंट है, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर एक न्यूज यानी एक अपडेट दिया है रिगार्डिंग ट्रैफिक वायलेशन रोड सेफ्टी के लिए। पता है आप लोगों को दोहा कतर गवर्नमेंट कितना कंसर्न रहता है। तो एक दोहा कतर में आने वाला सितंबर 3 से एक ऑटोमेटेड रडार सिस्टम लगाया गया है जो एक्टिव हो जाएगा 3 से, और वो कैप्चर करेगा अगर आप बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, चाहे मोबाइल यूज करके गाड़ी चला रहे हैं, तो आप कैप्चर हो सकते हैं। आप सतर्क हो जाइएगा। आने वाला सितंबर 3 से ये रडार सिस्टम है जो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और आप अगर ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप लोग को पता है दोहा कतर में जो लोग भी ड्राइविंग करते हैं, दोहा कतर गवर्नमेंट का कितना रूल्स टाइट होता है और कितना ज्यादा फाइन होता है, ठीक है। और गाइस, ये जो रडार सिस्टम है, ऑटोमेटेड रडार सिस्टम, ये 24/7 काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि आप अगर नाइट में लेट नाइट गाड़ी चला रहे हैं तो यार तो कुछ नहीं होगा, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे रात में ज़्यादातर ये काम करता है, ठीक है। ज़्यादातर ये ट्रैफिक वायलेशन होता है तो कैप्चर हो जाएंगे आप। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के गाड़ी चलाइएगा। आने वाला 3 सितंबर से ये ऑटोमेटेड रडार सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाएगा ऑल ओवर दोहा कतर। अगर आप बिना सीट बेल्ट यूज किए, चाहे मोबाइल यूज करके आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फाइन आएगा, ठीक है। तो ये एक अपडेट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।